जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 का कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ और यह चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी बना रखा है, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और यह पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे की कॉन्स्टेंट के बारे में और पढ़ेंगे क्वेरी के बारे में। आइए समझते हैं की कॉन्स्टेंट किसको कहते हैं। देखिए, की कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख रखा है, बस इसको आसान भाषा में समझते हैं। की कॉन्स्टेंट का मतलब होता है, देखिए कॉन्स्टेंट में होता है बाधा, है ना। तो जब हमारे कंप्यूटर में डेटा का डुप्लीकेशन हो जाता है, ये डेटा यहाँ भी है, वहाँ भी है और भी दूसरे जगह डेटा है, तो यह जो बार बार जो डेटा जो हम दूसरे दूसरे जगह पे रखते हैं उतना मेमोरी को ये खा जाता है। डेट मीन्स इसका वायोलेशन तो जो है ना रेस्ट्रिक्ट करता है की कॉन्स्टेंट, जिसकी मदद से हम ये करते हैं। आई होप आपको की कॉन्स्टेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, की कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के की कॉन्स्टेंट होते हैं। ये समझते हैं कौन कौन से की कॉन्स्टेंट होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड प्राइमरी की कॉन्स्टेंट। देखिए, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट क्या होता है इसको समझिए। प्राइमरी की इज अ की एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। देखिए, टेबल में जो है ना प्रत्येक रिकॉर्ड को जो यूनिकली आइडेंटिफाइज करता है। आइडेंटिफाइज से क्या पहचाना, यूनिकली जो है प्राइमरी की आइडेंटिफाई करता है, जैसे डेटा का वायोलेशन नहीं हो पाता है। इसके एक एग्जांपल पे दिया हुआ, जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है तो किसी दूसरे स्टूडेंट्स का रोल नंबर 1 कभी नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट देखिए, फॉरेन की कॉन्स्टेंट। देखिए, हमें यह समझना है कि फॉरेन की कॉन्स्टेंट है क्या। यू कैन क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल्स टेबल्स के बीच में आप रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं फॉरेन की कॉन्स्टेंट की मदद से, जिससे हमें पता भी चल जाएगा डेटा का वायोलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेरी। की कॉन्स्टेंट समाप्त हो गया है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेरी। क्वेरी को समझिए। क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यू कैन आंसर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट योर डेटा दैट डिफिकल्ट टू आंसर बाय लुकिंग एट टेबल डेटा। देखिए, एमएस एक्सेस में जो हमने डेटा को बनाया है, बहुत डेटा है, उसमें डायरेक्ट हम देखेंगे हाउ कैन आई फाइंड, नो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बट क्वेरी की मदद से आप सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक कि 30% से ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से बच्चे हैं जो 30% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा। क्लास 5 के कौन कौन से बच्चे थे, क्लास 5 का लिस्ट आ जाएगा। तो डेट मीन्स क्वेरी की मदद से जो है आप सिंपल क्वेश्चन पूछ के और स्पेसिफिक डेटा को जो है आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। एम एस एक्सेस प्रोवाइड्स फ्रंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज। देखिए, एम एस एक्सेस जो है ना फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेरीज को प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से क्वेरीज प्रोवाइड करते हैं, तो सेलेक्ट क्वेरी, पेंट क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी, डिलीट क्वेरी। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्ट क्वेरी किसको कहते हैं। देखिए, जगह के अभाव के कारण जो है मैंने सेलेक्ट क्वेरी को यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, अब ये सेलेक्ट क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे। सेलेक्ट क्वेरी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन क्वेरी इन एमएस एक्सेस। देखिए, सेलेक्ट क्वेरी जो है सबसे सिंपल है और सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। देखिए, इसका इस्तेमाल हम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं और डिस्प्ले करने के लिए भी करते हैं, वन और एक से ज़्यादा टेबल्स में भी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि कल 14 है, कल से आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट है, बट कंप्यूटर के एग्ज़ाम में भी कल के बाद है, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, ये काफ़ी मदद आपको हो जाएगी। थैंक यू।